हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक न्यूज़ देनी आप लोगों को कि आज मैं वापस जा रहा हूँ। सडनली मेरा प्लान बन गया कि और मैंने बात करी ऑफिस में तो मेरे को वर्क फ्रॉम होम मिल गया, तब मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। दो दिन में प्लान बनाया कि और घर पे किसी को बताया नहीं सिर्फ चांदी के अलावा। तो अभी पैकिंग कर रहा हूँ। पैकिंग तो मैंने कर ली है, बोरा बड़ा बैग, ये रहा छोटा बैग। छोटा बैग मैं लेके जा रहा, बड़ा बैग लेके जाऊँगा क्योंकि 15 kg अलाउड है। तो बड़ा बैग अगर तितिश आता है गुड़गांव तो तितिश से मंगवा लूँ। तितिश का एक छोटा सा प्रोग्राम है गुड़गांव में, तो वहाँ पे आएगा। तो जब भी आएगा, एक दिन के लिए आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लेके आ सकता तो ले आएगा, नहीं तो बाद में पार्सल के थ्रू मंगवा लूँगा। वो बैग मैं लेके जा रहा हूँ। प्रे करता हूँ कि वो 15 kg से ज़्यादा ना बैठे। और मेरा ये ऑफिस बैग और ये साइड बैग। गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से, सॉरी अपने पीजी से निकल चुका हूँ, एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ। और रात का कुछ ये हाल है, अभी रोड थोड़ा सा बिजी चल रहा है आगे। कमेंट में बताना ये बंदा कौन है, ये कोई नेता है या फिर कोई वीआईपी। बैग सील करा है और यहाँ पे अभी बैग ड्रॉप करना है। चेक इन तो कर लिया है और लगेज भी ड्रॉप कर दिया है। अब गेट नंबर 9 पे जाने के लिए बोला है, तो वही ढूंढ रहा हूँ मैं। गेट नंबर 9 पे जाने के लिए मैं कोई लाइन में लगा पड़ा हूँ। यहाँ से 2 लाइन लगती है एक्चुअली, बट मुझे किसी ने बोला कि इस लाइन में लगने के लिए, क्योंकि यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा गेट नंबर 9 पे। लाइन काफ़ी लंबी है और वो वहाँ तक सामने बच्चा लेके आ रहा है ना, वहाँ से वहाँ तक है लाइन। अब जा रहा हूँ अपने गेट नंबर 9 पे। पीछे आई थिंक सो वो तो रहा बोरा नंबर 9211। मुझसे बोला गया था कि मेरी जो फ्लाइट है वो 10 मिनट लेट है, यानी मुझे 1 बजे जगह निकलते निकलते। बाय गॉड ग्रेस हम लोगों की जो फ्लाइट लेट चल रही थी वो वापस ऑन टाइम आ गई। और हम लोगों को फिर उन्होंने बोर्डिंग करना शुरू कर दिया। हम लोगों को लेने के लिए बस आई थी, तो हम लोगों ने बारी बारी से अपने बोर्डिंग पास चेक करवा के हम लोग बस में चढ़ गए। उसके बाद हम लोगों को प्लेन तक ले जाया गया। प्लेन काफ़ी शानदार था। ये राज आज यार किससे जा रहे हैं हम लोग। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि फ्यूल भरा जा रहा है, और जो लोग खान ना करे तो अभी फ्यूल चल रहा है यार, अभी फ्यूल भरा नहीं है, टाइम लगेगा इसमें। फाइनली पेट्रोल भी भर गया यार, अब हम लोग टेक ऑफ कर सकते हैं। मेरा था ये एक्सा कंपनी है। तुम लोग क्या काम करते हो? हम फार्मा में, हम लोग बायो फार्मास्यूटिकल में। दिल्ली के लोकल? मैं पंजाब। मैं तो दिल्ली गई। मैं दिल्ली गई। मैं पंजाब। नाइस टू मीट यू गाइस। हेलो समीर सिंह। आशीष हनी।
फ्लाइट चालू हो चुकी है, हम लोग रनवे पे जा रहे हैं और ये जो है वो सीट बेल्ट बांधने के लिए बोल रही है और जो भी उनके निर्देश होते हैं वो दे दे रही है। अभी हम लोग रनवे पे जा रहे हैं। क्या बोले ये करे पानी टाइम आ रहा है ठीक ऑफ करने का, ये हर बार बच्चे क्या कहते हैं बैठने के टाइम पे डरा देते हैं। अभी सुबह के बज रहे हैं कितने, एक सेकेंड, 3:35 हो रहे हैं और हम लोग हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। घर पे किसी को मालूम नहीं, मैं आ रहा हूँ। एयरपोर्ट की पहचान, बेल्ट नंबर 6 हो रहा। चलो बैग तो आने शुरू हो गए हैं गाइस, और मुझे मेरा बैग आता हुआ नजर आ रहा है। नहीं ये तो मेरा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे बैग मरून है। आई थिंक ये है मेरा, ये है मेरा 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 पहचान गया मैं, यही है मेरा बैग तो अपना ही है। चलो निकलते हैं यार यहाँ से। अब मैं ढूंढ रहा हूँ वॉशरूम जाना है भाई को, उधर देखता हूँ कहीं पे उधर होगा, वो दोनों बंदे मेरे साइड में बैठे थे जो सामने जा रहे हैं ना, एक ब्लैक टी शर्ट और ये वाइट ऑफ वाइट जैकेट पहना वो बंदा जो है। और एयरपोर्ट पे अभी इतनी भीड़ नहीं है, शायद टाइमिंग वैसी है, इस टाइम होते ही नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम मैंने देखा था फ्लाइट्स तो बहुत सारी थी पुणे से दिल्ली। चलो एग्जिट आ गया, मेट्रो पकड़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एक कॉफ़ी ली है यार, ये कॉफ़ी है कुछ 86 रुपीस की, मेरा मन कर रहा था कॉफ़ी लेने का। एक इम्प्रेशन कैसा है, इम्प्रेशन ऐसा है कुछ कि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, मैं जैकेट पहन के आया था, जैकेट उतार दी है और अभी बस वेट कर रहा हूँ क्योंकि एक घंटे बाद ही मेट्रो यहाँ से चालू होगी और कैब यहाँ से करीब 700 रुपये ले रही है, तो मैं सोच रहा हूँ मेट्रो ही लेके जाऊँ क्योंकि मेट्रो मतलब ज़्यादा, एक तो कम्फर्टेबल है ऊपर से चीप भी है, तो मेट्रो लेके जाऊँगा और सेफ भी है। ऊपर से गर्मी, दिल्ली गर्मी, जैसे ही एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकला खुले आसमान के नीचे आया भाई, गर्मी का मालूम, गर्मी का एहसास हो गया कि भाई कितनी गर्मी है अभी दिल्ली में। पुणे में इतनी गर्मी नहीं थी, जैकेट पहन के आया था ना, अब पता चल रहा है गर्मी का। और बताओ यार, ये कुछ हाल है सुबह के 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट का, अभी एक कॉफ़ी लेके पी है मैंने,
ये बंदा कहीं फॉरेन ट्रिप से आया या फिर बहुत टाइम बाद आया, तो उसकी पूरी फैमिली इसको लेने आई है। ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती कि पूरी फैमिली लेने आई है एक बंदे को, सिर्फ एक बंदे को। तो गाइस मेरे पे वेट नहीं हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टाइम हो रहा है कुछ 4:45, तो 15 मिनट नीचे मेट्रो पे वेट करूँगा यार। मैं यहाँ तो बहुत देर बैठ लिया हूँ, हम लोग देख रहे हैं मुझे कि उस पर चढ़ना का नहीं। यहाँ से निकलता हूँ मेट्रो जिंदाबाद, मेट्रो जिंदाबाद। प्लीज़ चालू हो जाइए। वैसे 11:45 पे तो चालू हो जाती है मेट्रो, लेकिन यहाँ पे आते आते उससे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, तो अपन पहले ही जाके खड़े हो जाते हैं। टैक्सी करता मैं, ऊबर कर रहा था, ऊबर ले रही है 700 कुछ, 700 प्लस ही ले रही है। तो सोचा कि यार मेट्रो भी ले लेते हैं। सच बोलूँ तो वीडियो शूट करने से ज़्यादा मुझे पिक्चर क्लिक करने में मज़ा आ रहा है, वो भी नाइट मोड में। पिक्चर्स अच्छी आ रही हैं यार एक्चुअली, और मुझे नींद भी आ रही है थोड़ा सा, और जग जाऊँ। फ्लाइट में सोने की कोशिश करी पर सो नहीं पाया यार, एक तो स्पेस कम था मेरी चेयर के आसपास, मेरी सीट के आसपास स्पेस कम था, तो सो भी नहीं पाया। G20 मेट्रो के लिए 15 मिनट में आ जाएगा, सॉरी 9 मिनट में आ जाएगी। सिक्योरिटी तो क्रॉस कर दी है, अब चेक करना है कार्ड, कार्ड में वैसे है कि नहीं मेट्रो पर। ये काउंटर के पास में ही बना हुआ, ये जहाँ पे कार्ड कूपन लेते हैं, सॉरी वो टोकन लेते हैं या फिर कार्ड रिचार्ज करवाते हैं, उसके जस्ट बिहाइंड ये बना हुआ है। कितना प्यारा लग रहा है ना, सबके पंख हैं। कोई फ्लाइट आती तो कोई उसकी, अब तो उसको यहीं तक रुकना है। ये सब टूरिस्टी छोटे वाले अभी मॉर्निंग ही हुई है, जाना थी फिर। क्या पुतला है, ऐसा लग रहा है फंस के गिर रहा है। अब जा रहे हैं अपनी लोकल मेट्रो पकड़ने। CS कभी देखा इतना खाली भाई, ये CS ही है ना, पैर रखने की जगह नहीं मिलती यार यहाँ पे। एंटर हो गए फरीदाबाद में, सीधा घर तो आ गया यार। अभी बैल्कनी पे कोई नहीं है, चुपचाप जाता हूँ पिछले बार की तरह। दो फ्लोर चढ़ना पड़ेगा, पहुँच गया भाई बैल्कनी। हम मिलते हैं बाद में।